रुचिता, आज मैं तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें एक ऐसी दुनिया में लेकर जाना चाहता हूँ जहाँ बिछड़ने का कोई रिवाज ही ना हो। आई लव यू रुचिता, आई लव यू, आई लव यू टू मी आज। बहुत मिस कर रहे हैं। आपकी बहुत याद आ रही आपने मेरी बेटियों के पापा को देखा है कि फीस भर के वो चले गए? मम्मी आप दिखाओ ना। मम्मी मेरे में से भी खाओ ना। ये लो मम्मा। किसी और के लिए कपकेक रहते पर मुझे दे दिया क्योंकि आपका वाला केक तो खराब हो गया था ना। निहार, आप इतना गुस्सा मत कीजिए, आराम से बात कीजिएगा प्लीज। आज आप बीच में मत बोलिए पूनम। डिजाइनर्स को एडवांस देने के लिए तुम्हें पैसे दिए थे मैंने। ये कुछ पैसे प्रतीक ने एक डील फाइनल की है दुबई के डिजाइनर्स के साथ, उसका एडवांस है, जाके देखे आ जाओ। वो पैसे अभी तक डिजाइनर्स को मिले नहीं, क्या हुआ उन पैसों का? कहाँ है वो पैसे? सर वो जो बच्ची आई थी आपके साथ, उसका बिल पेमेंट आप करेंगे या आपकी वाइफ? बिल दीजिए, मैं पे कर देता हूँ। मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ यार, कहाँ है वो पैसे? अभी तक डिजाइनर्स को पैसे क्यों नहीं मिले? जवाब दो निहार। पापा वो पैसे एक जरूरी काम में खर्च हो गए। जरूरी काम? अरे ऐसा कौन सा जरूरी काम था? 1-2 हज़ार रुपए नहीं थे निहार, पूरे 50,000 रुपए थे। ऐसा कौन सा जरूरी काम था कि इतने पैसे खर्च कर दिए तुमने? बताओ निहार। अगर मैंने रुचिता के बारे में बताया तो पापा और हर्ट हो जाएंगे। सॉरी पापा, वो मैं आपको नहीं बता सकता। बता नहीं सकता मतलब? क्यों, जुए में उड़ा दिए या डांस बार में उड़ा दिए पैसे? सोचा था कि उम्र के साथ सुधर जाओगे तुम, लेकिन तुम तो अपनी हरकतों से बाज ही नहीं आ रहे। जी तो करता है कि खींच के खिलाऊंगा। अरे प्रतीक के पापा क्या कर रहे हैं आप? बच्चा नहीं है ये। सही कहा आपने, ये बच्चा नहीं है, ये तो एक अय्याश है। अय्याश से हम सब का जीना दुश्वार कर रखा। अच्छा हुआ निहार कि रुचिता तुम्हें छोड़कर चली गई। सॉरी सर, अपने पैसे आप मेरी सैलरी से काट लीजिएगा। देखा आपने कैसे जबान लड़ाकर चला गया आपका साथ ज्यादा। पापा प्लीज शांत हो जाइए, जाने दीजिए उसे। जाने दीजिए ना, ना समझी मैं बोल गया वो। आप इतना गुस्सा करके अपना बीपी मत बढ़ाइए प्लीज। जी दादी, हमें यहाँ कुछ दिन और रहना पड़ेगा। वो जूही को डॉक्टर के पास लेके जाना है कुछ दिन तक चेकअप कराने के लिए, लेकिन आप चिंता मत कीजिएगा, मैं सब मैनेज कर लूंगी। बेटा अकेली तू क्या क्या संभालेगी, रुक जा मैं आती हूँ वहाँ। नहीं दादी,
आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है और इस समय सफर करना ठीक नहीं होगा। रुचिता तू मेरी फिक्र मत कर, मैं पहले से काफी बेहतर हूँ और काफी दिनों से मैं अपने नातिनों को नहीं मिली। उनसे मिलूंगी, खाटू जी के दर्शन करूंगी तो मेरी बाकी की बची कुछ तबीयत भी ठीक हो जाएगी। लेकिन दादी बस मैंने श्रीधर से कहकर बस की टिकट करवा ली है, मैं कल सवेरे वहाँ पहुँच रही हूँ। ठीक है दादी, चलो आप दोनों भी अब सो जाओ, आ जरूर। इतने सारे रुमाल तुमने एक दिन में बनाए? जी, अब आप इन्हें बेधड़क होइए। बेटा ये रुमाल भी उन्हीं अंकल का है ना? हाँ मम्मी, ये उन्हीं अंकल का है। बेटा आप दोनों जब उन अंकल से मिले थे तो उन्होंने कुछ कहा था क्या? हाँ, उन्होंने हमें प्यारी बच्चियां कहा था और उन्होंने कहा कि मुझे देखकर किसी की याद आ गई और मुझे देखकर कहा कि उन्हें अपना बचपन याद आ गया। सही तो कहा उन्होंने। तुम दोनों हो ही हमारी परछाई। मम्मी वो अंकल कितने अच्छे हैं बा। ये रुहार इसमें आर का मतलब कहीं कहीं आज भी रुचिता तो नहीं, कहीं निहार जी ने वो कपकेक्स मेरे बर्थडे के लिए तो नहीं लिए थे? ऐसा था तो उन्होंने कुछ पूछा क्यों नहीं, कुछ कहा क्यों नहीं? कहीं कहीं 6 साल के बाद भी आज तक वो मेरे याद में तो नहीं है? पक्का वो कपकेक उन्होंने अपने मोटे बच्चे के लिए लिए होंगे। बेटा ऐसे किसी को मोटा नहीं कहते। सॉरी मम्मी। मैं तो भूल ही गई थी कि निहार जी की अब अपनी एक अलग दुनिया है, अपना एक परिवार है जहाँ मेरी कोई जगह नहीं है। लेकिन फिर इस रुमाल पर ये शब्द क्यों है? मम्मी क्या सोचने लगी? कुछ नहीं, आज मैं भी आप दोनों के साथ ही सोऊंगी, ठीक है? मम्मी क्या मेरे पापा भी उन अंकल की तरह अच्छे हैं? हाँ मम्मी बताइए ना, पापा भी उन अंकल जैसे हैं? बस बहुत हो गई बातें, अब चलो हम जल्दी से सो जाते, सुबह उठना भी है ना। ओके मम्मी, गुड नाइट मम्मी। कैसे कहूँ इनसे कि वो अंकल ही इनके पापा हैं, जो शायद इनके पापा कभी बनना ही नहीं चाहते। पंडित जी ये चढ़ावा चढ़ाइए हमारी बच्चियों की अच्छी सेहत के लिए। वैसे आज मंदिर में माता की चौकी रखी है, आप अपने पति के साथ में माता रानी का आशीर्वाद भी ले लेना। माता रानी तुम्हारी जोड़ी सलामत रखे। तो पंडित जी मेरे पति आज यहाँ तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं उनकी खुशहाली के लिए माता रानी का आशीर्वाद जरूर लूंगी। जी दादी आप यहाँ पे बैठिए, मैं देवी माँ का आशीर्वाद लेकर आती हूँ। मम्मी पापा मैं
दिया, हम तीन आपको बहुत मिस कर रहे हैं। आपकी बहुत याद आ रही। हे माता जी, निहार जी और उनका परिवार हमेशा खुश रहे। हे माता रानी, रुचिता और उसका परिवार हमेशा खुश रहे। कैसे है तुम्हारी बेटी जूही? निहार जी उसे अपनी बेटी नहीं कह रहे। ठीक है अब जूही, कल आप बिना कुछ कहे चले गए और मैं आपको थैंक यू भी नहीं बोल पाई। कल के लिए थैंक यू सो मच। तुम्हें थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं है, वो भी मेरी बेटी जैसी है। वैसे तुम अपनी नई लाइफ में इतना आगे बढ़ चुकी हो, अच्छा लगा मुझे देखकर। जब जिंदगी आपके पास कोई रास्ता ना छोड़े तो जिंदगी बिताने के लिए खुशियों की वजह ढूंढनी पड़ती है निहार जी। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए आपको कोई ना कोई ऑप्शन तो चूज करना ही पड़ता, लेकिन मैं दिल से खुश हूं तुम्हारे लिए। और तुम्हारी बच्चियां, तुम्हारी झलक दिखती है उनमें, इसलिए जब पहली बार देखा था तो ऐसा लगा कि जैसे अपनी बच्चियां। I'm sure तुम्हारी बेटियों के पापा मुझसे कहीं गुना अच्छे पापा और पति होंगे। मतलब निहार जी को लग रहा है कि मैंने दूसरी शादी कर ली और वो रूही जो है इनकी नहीं, किसी और की बेटी है। निहार, I'm sure तुम्हारे पति मेरी तरह धोखेबाज नहीं होंगे, तुम्हें हर्ट नहीं करते होंगे, तुम्हें हमेशा खुश रखते होंगे। नहीं नहीं रुचिता, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं, तुम खुश हो ये देख के मुझे सुकून मिल रहा है। आज आज तुम अपनी लाइफ में इतना आगे बढ़ चुकी हो। निहार जी, वो बच्चियों ईशा के दिल में छेद है, वो बस कुछ ही महीनों की मेहमान। इस बच्चे से मेरा रिश्ता है, इस बच्चे से ये कोयल परिवार का खून, ये कोयल परिवार का खून, ये कोयल परिवार का खून, ये कोयल परिवार का खून। रुचिता जी, आप कैसी हैं? दिशा जी, वो मैं पहले से बेहतर हूँ। मैं और निहार मेरे बेटे राजा के लिए पूजा करवाने आए थे। राजा मतलब पिंकू, उसका स्कूल में नाम राजा है। इसका मतलब रुमाल पर वो आर रुचिता का नहीं, राजा का था। निहार चले, मैं फूल और पूजा का सामान ले आई। वैसे तुम चाहो तो रुक सकती हो, मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर दूंगा। उसकी जरूरत नहीं है। वो आपको लेने तो आपके पति आने वाले होंगे ना? वो आपकी मांग में सिंदूर और मंगलसूत्र देखा तो मुझे लगा कि आप, मेरा मतलब कि आपने दूसरी शादी कर ली है। हाँ, हाँ वो
मेरे पति आ रहे मेहर चले चलते निहार चले निहार जी ने सोच भी कैसे लिया कि मैंने दूसरी शादी की। मुझे उन्हें सच बता ही देना चाहिए था, लेकिन कैसे कहती मैं नहीं चाहती कि मेरी और मेरी बेटियों की वजह से निहार जी का बसा बसाया घर टूट जाए। ये क्या किया तूने रुचिता? कवाची को सच क्यों नहीं बताया? उनके परिवार की फिक्र है तुझे, लेकिन अपनी गृहस्थी के बारे में नहीं सोच रही है तू? दादी वो मैं वो क्या? मैंने सुना तूने दामाद जी से अपने दूसरे पति के बारे में झूठ कहा। क्या जरूरत थी उनसे झूठ कहने की? क्यों हवा दी उनकी गलत फहमी को? उन्हें सच बता देना चाहिए था। क्यों नहीं बताया उन्हें कि रूही जूही उनकी ही बेटियां? कैसे बताती दादी? निहार जी तो सच जानकर अपनी दोनों बेटियों को अपना लेते, लेकिन मेरे मासूम बच्चों के सवालों का क्या? क्या जवाब देते हम उन्हें कि दिशा कौन है, पिंकू कौन है, निहार जी से उनका रिश्ता क्या है और उनके मम्मी पापा अलग क्यों हुए थे? क्या 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 जवाब देते हम उनके मासूम सवालों का दादी? रिश्ते पहले से ही इतने उलझे हैं, मैं और उन्हें उलझाना नहीं चाहती। उन्होंने मेरी बच्चियां मांग ली तो निहार जी ऐसा कभी होने नहीं देंगे, लेकिन माँ ने अपनी पोतियों पर अपना हक मांग लिया तो मैं कहाँ जाऊंगी दादी? सीता माँ से भी तो राम जी ने लवकुश मांगे थे, इसलिए मैंने निहार जी को कुछ नहीं कहा। शायद खाटू जी की यही मर्जी है दादी कि उलझे रिश्तों को और ना उलझाया जाए, तभी निहार जी को ये गलत फहमी हुई। आप इसे रोक क्यों रहे? बताओ क्या बात है? मैंने आपके मुंह की गाली नहीं दी है। अब जब तुमसे गलती हो ही गई है तो उस गलती को पूरी तरह से अपना क्यों नहीं लेते? दिशा से शादी क्यों नहीं कर लेते थे? क्या रुचिता और निहार मंदिर में मिले? 6 साल बाद ऐसे अचानक? कितना कुछ बदल गया। क्या निहार को पता था कि वो वहां है? क्या निहार और रुचिता रोज ऐसे मिलते हैं क्या? मतलब पहले कई बार मिल चुके हैं क्या ऐसे? ऐसा लग तो नहीं रहा था। निहार भी थोड़े से शॉक्ड ही लग रहे थे। ऐसा लगा अचानक से दोनों के रास्ते टकरा गए। लेकिन एक बात तो साफ नजर आ रही कि आज भी दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते। दोनों की आंखों में आज भी एक दूसरे के लिए इंतजार साफ दिखाई दे रहा था। अगर ऐसा ही था तो तू मेरे निहार को छोड़कर गई क्यों? अगर इतना ही प्यार था तो चाहती ना मेरे बेटे की एक गलती की इतनी बड़ी सजा दे दी उसने। अगर रुचिता यहाँ इस घर में होती तो निहार के पापा पता नहीं कब का निहार को माफ कर चुके होते। लेकिन अब तो बहुत देर हो चुकी है। अब अगर पिंकू सवाल करेगा तो उसके सवाल का क्या जवाब देंगे? क्या कहेंगे क्या उससे? नहीं, ये रुचिता अब जितना दूर रहे हमसे उतना ही ठीक। चिता जी कह रही थी कि उनके पति हैं। मतलब ये रुचिता अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी है और मीरा निहार वही के वही अटका हुआ है। खैर, निहार को पता चल गया है कि उसकी अपनी जिंदगी है, पर अब इसी बहाने से सही मेरा बेटा कम से कम अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने के बारे में सोचेगा। तो रुचिता जी ने निहार को सच क्यों नहीं बताया? उन्होंने कहा उनके पति लेने आएंगे, जबकि उनके साथ तो कोई बुजुर्ग लेडी थी। आप इसे रोक क्यों रहे? बताओ क्या बात है? मैंने आपके मुंह की गाली नहीं दी है। अब जब तुमसे गलती हो ही गई है तो उस गलती को पूरी तरह से अपना क्यों नहीं लेते?
दिशा से शादी क्यों नहीं कर लेते थे? मैं यही चाहती हूँ कि ये रुचिता अपनी जिंदगी में खुश रह जावे और मेरा निहार अपना परिवार बनाने के बारे में सोचे। इसीलिए दिशा, तुम ये रुचिता वाली बात प्लीज किसी से भी मत कहना, खासकर प्रतीक के पापा से तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि प्रतीक के पापा रुचिता को अपनी बेटी के जैसा मानते हैं। अगर उन्हें ये पता चल गया तो पता नहीं कितनी कड़ी सजा सुना देंगे मेरे निहार को। डैडी, मम्मी, दादी, पिंकू, बेटा क्या हुआ पिंकू? अरे क्या बात है पिंकू? पिंकू बेटा शांत हो जाओ, क्या कर रहे हो? बेटा किसी से स्कूल में झगड़ा हुआ क्या? बेटा तुम्हें किसी ने कुछ कहा? रुको, अपने बड़े पापा को बताओ बात क्या है प्लीज। पिंकू बेटा क्या बात है, मुझे तो बताओ, डैडी हूं ना तुम्हारा। पिंकू बेटा आप ऐसे रो क्यों रहे हो? बताओ क्या बात है? पापा आप क्यों मम्मी की शादी नहीं हुई है? छोड़ो ये सब, चलो और चल के कपड़े बदलो, रोना था। मुझे आंसर चाहिए, मैंने बोला ना मुझे आंसर चाहिए। मैंने कहा ना कोई सवाल जवाब नहीं, चलो और चल के कपड़े बदलो। निहार, अब जब तुमसे गलती हो ही गई है और अपनी गलती की जिम्मेदारियां भी तुम निभा रहे हो तो उस गलती को पूरी तरह से अपना क्यों नहीं लेते? दिशा से शादी क्यों नहीं कर लेते थे? निहार, तुम्हें अपने इस रिश्ते को एक नाम देना होगा, तुम्हें दिशा को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करना होगा। निहार, हेलो, मेरे घर में आग लग गई है, मेरी मम्मी को बचा लो प्लीज। मैं आ रहा हूं बेटा। रुचिता, हेलो, मेरे घर में आग लग गई है, मेरी मम्मी को बचा लो प्लीज। मैं आ रहा हूँ बेटा। रुचिता,